फिर होगी शहर कायद में चौकों और छक्कों की बरसात। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान टाकरा होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शायकीन को टिकट और असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। दुनिया तस्लीम कर रही है कि नरेंद्र मोदी की हमाकत से और पाकिस्तान की कोशिशों से और कश्मीरियों की कुर्बानी से आज कश्मीर का मसला जितना इंटरनेशनलाइज हो गया है, अब ये रुक नहीं सकता। भारत सफारती मैदान में पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाहिशमंद, हर फॉर्म पर नीचा दिखाने की कोशिश। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, मुश्किलात के बावजूद पुरइतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। अपोजिशन का इत्तेहाद मुस्बत इशारा, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, भारतीय पायलट छोड़ते तो मोदी के यार का ताना मिलता। भारत जंग हार चुका, मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं बिलावल की नवाज शरीफ से मुलाकात पर कोई हर्ज नहीं, सबको नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए, अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो वजीर आजम जिम्मेदार होंगे। मांगे तांगे से मुल्क नहीं चलता, करप्शन का इल्जाम लगाने से कौम का पेट नहीं भरेगा। तमाम जातों को मिलकर मुआशी तरजीहात से करनी चाहिए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का लाहौर में खिताब, मूल के रहनुमा को भारत से मिस एडवेंचर का खदशा। नवाज शरीफ के इलाज का मुतालबा, नून लीग सड़कों पर आने लगे। लाहौर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, कायद के इलाज के लिए फौरी इकदाम पर जोर। और पीपल्स पार्टी का पाक भारत कशीदगी और अपोजिशन जमातों से हुकूमती रवैये के खिलाफ मैदान में आने का फैसला। कौमी यकजहती पॉलिसी बनाने की हिकमत अमली तय, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी गौर, हुकूमत से राबता नहीं किया जाएगा।